अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसका था बहुत इंतज़ार। बहुत से फ्रेंड्स पूछ रहे थे जी एयर ड्राई का बता दें, फंक्शन कैसे होता है, कपड़ों को एयर ड्राई कैसे करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। तो हायर का मॉडल है मेरे पास, बहरहाल आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हमने बटन को ऑन किया है, इसके अंदर कपड़े हैं जो गीले कपड़े हैं और इसको मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन है सबसे आखिरी एयर ड्राई का, जिसमें 60 मिनट का टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और यहाँ से हम अगर इस बटन को प्रेस भी करेंगे तो देखें कुछ भी नहीं होगा, ये 60 मिनट है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, टाइम को कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसको ऑन करना है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम एयर ड्राई का फंक्शन यूज़ करने जा रही हूँ, और वो भी आप सब फ्रेंड्स के कहने पे, क्योंकि 60 मिनट काफ़ी लंबा टाइम है। तो ये देखें जी, ग्लास में कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं पहले ग्लास को ज़रा साफ़ कर दूँ ताकि आप लोगों को आसानी से जो है वो नज़र आ सके। और ये देखें जी, मैंने ग्लास को ना आप लोगों के लिए साफ़ कर दिया, चमका दिया, ताकि जब ये कपड़े स्पिन हों तो हमें अच्छे से नज़र आए। तो प्रोसीजर एक दफ़ा फिर से बता दूं कि जी हमने एयर ड्राई के फंक्शन पे यहाँ लेके आए हैं, 60 मिनट का टाइम लगे और अब हम बिस्मिल्ला इसको स्टार्ट कर रहे हैं जी। तो सिर्फ हमने स्टार्ट का बटन दबाना है और इसको स्टार्ट कर लेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात वो ये कि आपने कभी भी जब स्पिनर चल रहा हो तो पॉज के बटन को नहीं दबाना, इसका ढक्कन नहीं उठाना, वरना इसको बहुत ज़ोर से झटका लगेगा, ब्रेक लगेगी, जिससे मशीन डैमेज भी हो सकती है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, स्पिनर चलता हो तो कभी भी आपने इसको छेड़ना नहीं है, उसको अपना टाइम जो है वो पूरा करने दें और उसके बाद फिर जो आपने करना करें, ठीक है जी। तो ये जी इसका अभी फंक्शन स्टार्ट हो गया है, एयर ड्राई जो है ये 60 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम है वैसे। तो बहुत से फ्रेंड्स जो है वो पूछ रहे थे कि जी एयर ड्राई करने के बाद कपड़े आप कितने खुश्क हो जाते हैं कि आप उनको ठप ठुप के अलमारी में रख सकें या फिर आप उनको डायरेक्ट इस्त्री कर सकें। तो इसका सवाल का जो जवाब है वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कपड़े किस तरह से कितने खुश्क होते हैं और कितने परसेंटेज इनमें जो है वो नमी मौजूद होती है। 60 मिनट का टाइम क्योंकि बहुत लंबा है। और ये देखिए जी, टाइम जो है वो अभी 60 मिनट था, अभी 59 मिनट्स होंगे, फिर 58 होंगे, आहिस्ता 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 ये 1 मिनट पे आ जाएगा और फिर ये मशीन खुद ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मैं इतना लंबा आपको नहीं दिखा सकती, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती रहूँगी इंशाल्लाह। ये देखिए 59 मिनट्स हो गए हैं ऑनवर्ड, अब ये चलती रहेगी। तो मैं आपको एंड में दिखाती हूँ कि जब ये बिल्कुल एंड पे पहुँचते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम ना लें जी। फ्रेंड्स देखें, अभी 34 मिनट्स बकाया रह गए हैं इसके, रिमेनिंग 33 मिनट्स हो गए हैं और ये टाइमर चल रहा है 1 घंटे के लिए। ये एयर ड्राई हो रहे हैं, इस तरह से ये स्पिन करी जा रही है, स्पिन करती है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स है, फिर स्पिन करती है। तो अब देखेंगे 1 घंटे के बाद जब कपड़े इसमें से निकलेंगे फर्स्ट टाइम, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखूँगी कि एयर ड्राई कैसे होते हैं और आप लोगों को भी बताएँगी कि किस तरह से ये ड्राई करती है। तो अभी ये फ़िलहाल चल रही है, देख रहे हैं आप, अभी तक स्पिन हो रहा है, 1 घंटा हो गया इसको स्पिन होते हुए, तो अब तो ये बिल्कुल स्पिन होने ही चाहिए। लेट्स सी कि क्या बनता है एयर ड्राई का फंक्शन। वैसे मेरे ख्याल में 1 घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप लोगों ने कभी यूज़ किया है या नहीं किया तो बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। सो फाइनली 1 घंटा पूरा होने वाला है और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टाइम था। इसको हम बीच में स्टॉप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए, वरना बहुत झटका लगेगा मशीन को, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मशीन के लिए, टब के लिए। फोर्सफुली स्टॉप नहीं करना है, याद रखिएगा। तो अब ये चल रही है तो हम इसे चलने दे रहे हैं। 60 मिनट्स का सफ़र था और ये ख़त्म होने को आया, 3 मिनट्स रह गए हैं और अभी इंशाल्लाह देखेंगे जी कैसी सूरत हाल होगी कपड़ों की, क्या ये वाकई बिल्कुल खुश कपड़े निकलेंगे। ये देखें जी, 1 घंटा तो मेरे ख्याल में जब स्पिन होते रहे तो फिर बिल्कुल खुश होने चाहिए कपड़े। सिंपली अगर आप लोग स्पिन कैसे करना चाहते हो कपड़ों को ज़्यादा टाइम के लिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी तरीक़ाकार। आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस देखिएगा, आपको पता है मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसके यूसेज और रिव्यूज़, उसकी इंस्टॉलेशन, हर चीज़ के हवाले से वीडियोज़ आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब ये फाइनली स्टॉप हो रही है, अब नहीं चल रही, अब ये रुक रही है। अब ये 2 मिनट का टाइम शो कर रहा है, बट ये 1 मिनट का और ये 6। नहीं जी, देखते हैं जी क्या ये वाकई ही एयर ड्राई हुए हैं। मुझे लग रहा है कि शायद हाँ, आप इसको हल्का सा अगर फ़ैन के नीचे आधे घंटे के लिए
फैला देंगे तो बिल्कुल ओके हैं, ये वाकई पहनने के काबिल हैं, बहुत अच्छे से खुश्क हुए हैं और मैं आपको चेक करवाऊंगी कैसे खुश्क हुए हैं। ये जीन्स तो बहुत अच्छी खुश्क नहीं हुई है, आप देख सकते हैं जीन्स के कपड़े ज़्यादा अच्छे खुश्क नहीं हुए। बहरहाल जी फ्रेंड्स, तो ये हैं वो कपड़े जो मैंने ट्राई किए थे, बहुत अच्छे तो नहीं है। मैं आपको चेक करवाने के लिए जो है वो टिश्यू लेके आई हूँ, इसके ऊपर हम इसको देखें, ज़रा देखें गीला हो गया है, टिश्यू गीला हो गया है, इसको ऐसे हम टिश्यू को रख के दबाया तो नमी है बिल्कुल थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इनको अभी भी हवा तो लगवानी पड़ेगी, ये उस तरह से ड्राई नहीं हुए हैं। और कुछ तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं मुझे कि ये बिल्कुल मैंने जैसे आम स्पिन किए होते हैं ये। मैं अभी कह सकती हूँ कि तकरीबन ये 70% आप इसको कह सकते हैं ड्राई है, 30% अभी इनको मज़ीद खुश करना पड़ेगा हवा के नीचे, फ़ैन के नीचे या धूप में। तो एयर ड्राई हाँ जी हैं, लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं। लाइक पर्सनली मैं आइंदा कभी एयर ड्राई नहीं करूँगी, आप लोगों के लिए किया था फ्रेंड्स, तो इसका एयर ड्रायर फंक्शन इतना अच्छा नहीं है। ओके है, सो सो है, 70% तक इसने ड्राई किए आपके कपड़े।